हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमजे स्टार एजुकेशन में। फ्रेंड्स, रेलवे एलपी कैंडिडेट के लिए बड़ी ऑफिशियल अपडेट आ रही है उनका ट्रेनिंग के रिगार्डिंग। फाइनली एलपी कैंडिडेट के ट्रेनिंग जो है 24 नवंबर 2020 से स्टार्ट होगी और उनको जो है ट्रेनिंग के रिगार्डिंग ईमेल भी आना स्टार्ट हो गया है और कैंडिडेट को जो है 26 नवंबर 2020 को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा, पूरी अपडेट दूंगा। और जो चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि उन्हें भी पल-पल की न्यूज मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये जो ऑफिशियल अपडेट है वो ईस्ट कोस्ट रेलवे के खुदरा डिवीजन से आ रही है, खुदरा रोड डिवीजन से। और यहाँ पे आप देख सकते हो सब्जेक्ट के अंदर है इनिशियल इंडक्शन ट्रेनिंग फॉर न्यूली रिक्रूट एलपी मल्टी डिस्पेशनरी ट्रेनिंग सेंटर विशाखापट्टनम के अंदर। और यहाँ पे बता दिया गया कि जो ट्रेनिंग कोर्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेनिंग कोर्स एलपी इंडक्शन बोथ टेक्निकल एंड एसडब्ल्यूआर कोर्स, जिसकी ट्रेनिंग 24 नवंबर 2020 से स्टार्ट होगी और ये कंप्लीट होगी 28/2/2021 को, 79 दिन चलने वाली है। साथ ही के अंदर इसके अंदर 40 कैंडिडेट रहेंगे और ये जो है ट्रेनिंग सेंटर जो खड़गपुर है उसके अंदर चलेगी। साथ ही के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टेक्निकल ट्रेनिंग है एलपी इंडक्शन की वो 27/11/2020 से स्टार्ट होगी और 20/1/2021 तक चलेगी, जिसके अंदर 43 दिन लगेंगे और 77 कैंडिडेट को जो है बुलाया गया है। और ये भी जो है विशाखापट्टनम के अंदर चलेगी। और यहाँ पे बताया गया है कि जिनकी भी ट्रेनिंग जो है एसडब्ल्यूआर ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग सेंटर जो सैनी है, जोनल रेलवे ट्रेनिंग सेंटर सैनी, उसके अंदर कंप्लीट हो जाएगी तो उनको जो है ट्रेनिंग के लिए कॉल कर दिया जाएगा, टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। साथ ही के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो जो एलपी इंडक्शन बोर्ड टेक्निकल एंड एसडब्ल्यूआर ट्रेनिंग वो आपकी जो है 2/3/2020 से स्टार्ट होगी और 18/6/2021 तक चलेगी, 79 दिन की। और इसमें जो है 40 कैंडिडेट रहेगी और ये ट्रेनिंग जो आपकी खड़गपुर के अंदर चलने वाली है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कैंडिडेट को जो है ईमेल भी आना स्टार्ट हो गया है टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए, 10 बजे जो है इनको हाजिर होना रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 26/11/2020 को टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए मल्टी डिस्पेशनरी ट्रेनिंग सेंटर विशाखापट्टनम के अंदर हाजिर होना रहेगा। खुदरा रोड डिवीजन वाले जो कैंडिडेट है ईस्ट कोस्ट रेलवे से, उनको जो है ईमेल आना स्टार्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी अपडेट एलपी कैंडिडेट के लिए ईस्ट कोस्ट रेलवे से। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल एमजे स्टार एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि इसी प्रकार न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।